हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कृष्णा मोटर्स वाशी। आज हम लेके आए आप सबके लिए मरून एक्सटीरियर में फिनिश 2021 अर्टिगा VXR बेसिक मॉडल। इस बेसिक मॉडल में हमने बोथ इंटीरियर एज वेल एज एक्सटीरियर पे आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज इंस्टॉल किए जो कि आपको चौंका देंगी। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं, कार के हेडलैम्प से चालू करते हैं। हेडलैम्प के ऊपर हमने इस पर लगाया व्हाइट LED DRLs जो कि नाइट टाइम में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आप दोनों साइड से इसका एक बार व्यू देख सकते हो, एकदम मस्त लुक दे देती है आपकी कार को। ऑल्सो फ्रेंड्स, इसके हेडलाइट के अंदर हमने ब्लॉक पॉइंट का LED इंस्टॉल किया है। आप जैसे कि देख सकते हो क्लियरली आपको लाइट दिख रही है ब्लॉक पॉइंट की। अभी हम इसका फ्लैश दिखाते हैं सामने कंटेनर पे। आप जैसे कि देख सकते हो इसको जितना पावर मिलता है, क्योंकि ये LEDs आती है उतना ही इसका पावर और इंक्रीज हो जाता है। नीचे के साइड पे हमने इस पर लगाया है व्हाइट LED फॉग लैम्प्स। ये फॉग लैम्प्स की एक स्पेशलिटी है, आप जैसे कि देख सकते हो कॉनकेव लेंस आती है। ये फर्स्ट स्पेशलिटी हो गई। सेकेंड स्पेशलिटी व्हाइट एज वेल एज येलो में फीचर्ड होता है, जैसे कि मैंने बताया था येलो में फीचर्ड होता है। आप नीचे इसका फोकस देख सकते हो रोड पे, व्हाइट पे स्विच कर देते हैं। आप इसका फ्लैश देख सकते हो रोड पे कितना ज्यादा क्लियर आता है। ऑल्सो दोस्तों, चारों इंडिकेटर्स पे इसका जो LED DRL है वो स्विच हो जाता है। इसका नाइट टाइम का भी आप एक बार व्यू ले लीजिए। कार के साइडवेज से आ जाते हैं, नीचे के साइड पे हमने इस पर इंस्टॉल किए हैं ब्लैक प्लस क्रोम में डोर क्लैडिंग अलॉन्ग विथ अर्टिगा क्रोम एम्बॉश। आप जैसे कि देख सकते हो ऊपर के साइड में आ जाते हैं, डोर पे हमने डोर गार्ड्स इंस्टॉल किए हैं बोथ साइड्स पे, ऑल फोर डोर्स पे। अलॉन्ग विथ हमने इस पर टिंटेड प्लस क्रोम रेन वाइजर्स इंस्टॉल किए हैं। 6-piece का सेट आता है। ऊपर के साइड पे ब्लैक विथ सिल्वर फिनिश में XL6 का लुक वाइज हमने इस पे रूफ रेल्स इंस्टॉल किए जो कि बोथ साइड पे आ जाता है। आप जैसे कि देख सकते हो ऑल्सो दोस्तों, इस पे हमने बॉडी कलर रूफ स्पॉयलर इंस्टॉल किए। नॉर्मली बाहर आपको नॉर्मल रूफ स्पॉयलर्स मिल जाते हैं, बट इस पे हमने स्पोर्टी लुक देने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूफ स्पॉयलर इंस्टॉल किया। आप इसका डिज़ाइन देख सकते हो, इस पे आपको 3 स्पोर्टी कर्व्स मिल जाते हैं। नीचे के साइड पे टेल लैम्प्स पे हमने इस पे लगाया है पिलर लाइट्स जो कि कंपनी से डमी मिलता है। ये ब्रेक लाइट पे भी स्विच हो जाता है और काफ़ी ब्राइट दिखता है। ये लाइट इंडिकेटर पे भी आ जाती है। आप इसका नाइट टाइम में एक बार व्यू ले लीजिए बोथ साइड से। ऑल्सो दोस्तों, नीचे के साइड पे सेम बम्पर प्रोटेक्शन गार्ड इंस्टॉल किया क्रोम में। नीचे के साइड पे हमने रेयर रिफ्लेक्टर लाइट्स इंस्टॉल किया अभी जो इंडिकेटर्स पे ऑन है। ऑल्सो दोस्तों, इस पे हमने ब्लॉक पॉइंट का रेयर व्यू कैमरा इंस्टॉल किया है जो कि इसको आगे मैं आपको दिखा दूंगा इसका विजन कैसा आता है। अभी दोस्तों हम कार के इंटीरियर में आ जाते हैं। इस पे हमने इंस्टॉल किया स्लाइडिंग कर्टन्स जो कि एकदम स्मूथली शिफ्ट हो जाते हैं। आप जैसे कि देख सकते हो इसके इंटीरियर में हमने CTK का डैम्पिंग के जो कि आपको पिक्स मिल जाएंगी एज वेल एज वीडियो, जो कि 1.8 mm की डैम्पिंग आती है। अलॉन्ग विद गाइस इस पे हमने इन्फिनिटी के कंपोनेंट्स इंस्टॉल किए रेफरेंस, अलॉन्ग विद बोथ साइड्स पे हमने ट्विटर्स इंस्टॉल किए। नीचे के साइड पे प्रिवेंटो की बेज 3D मैटिंग की है इस पे हमने। ऑल्सो दोस्तों, सीट के नीचे अंडर सीट वूफर इंस्टॉल किया है पायनर का, जो आप रिमोट के साथ ऑपरेट कर सकते हो। कार के पीछे के साइड पे आ जाते हैं, इस पे हमने इंस्टॉल किया अंदर सेम विंडो कर्टन्स अलॉन्ग विथ पीछे हमने Co-XL के स्पीकर्स इंस्टॉल किए इन्फिनिटी के। आप पीछे से इसकी 3D मैटिंग की व्यू देख सकते हो कितनी ज़्यादा अच्छी आती है। अभी दोस्तों इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम पे आ जाते हैं। इस पे हमने लगाया 9-inch की स्क्रीन, ब्लॉक पॉइंट की लार्गो 970 का जो कि वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर एंड्रॉयड डिवाइसेस में से है, इस पे हमने इंस्टॉल किया जो कि ऑल एंड्रॉयड फीचर्स के साथ आ जाता है। आप जैसे कि देख सकते हो आपको बिल्ट इन गूगल मैप्स, नेविगेशन सब कुछ मिल जाता है। आप कोई प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके भी इस पे आप प्ले कर सकते हो। इसका जो नाइट विजन का ब्लॉक पॉइंट का कैमरा है उसकी फुटेज भी मैं आपको दिखा दूंगा। अभी हम चलते हैं इसके अंदर जो हमने स्पीकर्स इंस्टॉल किए हैं
उसका आप एक बार टेस्ट देख लीजिए। तो दोस्तों अभी हम म्यूजिक टेस्ट करने वाले हैं। ब्लॉक पॉइंट के स्क्रीन से ब्लूटूथ कनेक्ट करके NCS का डबल प्ले किया है। ये जो पीस है मेरे पास नीचे के साइड पे, इसे कहते हैं पायनर का जो अंडर सीट वूफर आता है उसका कंट्रोलर। आप इसके थ्रू मोड्स के साथ चेंज कर सकते हो। 50 हर्ट्ज से लेके 125 हर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी आती है। देन गेन आता है मिनिमम एंड मैक्सिमम का। अभी आप आउटपुट देखिए। तो दोस्तों अभी जो आपने देखा है वो हमने जिसके अंदर कितने भी स्पीकर्स कोएक्सल के एज वेल एज अंडर सीट वूफर लगाया है उसका आउटपुट था। अगर आपको अच्छा लगा तो नीचे कमेंट में मेरे को जरूर बताइएगा।